वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपके मानसून में बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि ये बालों का झड़ना कॉमन है क्योंकि मानसून का सीजन है इसलिए आपके बाल झड़ रहे हैं? तो आप बिल्कुल गलत हैं। बाल झड़ना कॉमन समस्या है और मानसून में कुछ बढ़ भी जाती है, लेकिन आपको पता है कि बालों का झड़ना का मानसून से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। ये सभी डिपेंड करता है कि आप कैसे रूटीन फॉलो कर रहे हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से जो है आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं मानसून सीजन में। तो कुछ गलतियां होती हैं या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका सेवन अगर आप मानसून सीजन में करते हैं तो आपका हेयर फॉल कई गुना बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि आप गंजे भी हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन सी चीजें हैं जो कि मानसून के अलावा भी आपके हेयर फॉल को बढ़ाती हैं। हमारा सीधा जो भी खाना पीना होता है उसका सीधा असर हमारी बॉडी पे पड़ता है और साथ ही हमारे बालों पर। हम जो कुछ खाते पीते हैं उसी के कारण से हमारे बालों की ग्रोथ होती है या फिर हेयर फॉल होता है। ऐसे में मानसून सीजन में हम बहुत सारी ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जिनसे कि आपका हेयर फॉल बढ़ जाता है। इनमें सबसे ज्यादा जो अगर बात करें तो वो होता है शुगर वाले फूड। अब कहेंगे आप, मैं कोई चाशनी वाली या गुलाब जामुन या मिठाई तो खाती नहीं हूँ तो फिर मेरे हेयर फॉल क्यों बढ़ा है? तो फ्रेंड्स, हम जो कुछ भी लेते हैं या पैक्ड फूड जो खाते हैं उनमें शुगर और नमक दोनों ही की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण से हमारी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है और हेयर फॉल होने लगता है। इसके अलावा मानसून सीजन में दूसरी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बहुत ज्यादा खाते हैं, जैसे पकौड़े, समोसे, और जब बारिश होती है तो इनको खाने का बहुत तेज मन होता है और टेस्टी भी बहुत ज्यादा लगते हैं। तो अगर आप इन चीजों का भी सेवन करते हैं तो भी आपका हेयर फॉल जो है बढ़ सकता है मानसून सीजन में। नेक्स्ट होता है तले भुने चीजें, जैसे कि जो होती हैं उनमें ट्रांसफेट बहुत होता है जिसके कारण से जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं वो ड्राई होने लगते हैं और बाल झड़ने लगते हैं। तो क्या आप बारिश का मजा नहीं लें? हम इन चीजों का सेवन ना करें? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे डेली तौर पर ना करें और वीक में एक बार खा सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो होती है जो आपके हेयर फॉल, एल्कोहल बहुत सारे लोग एल्कोहल वाले शैम्पू भी यूज करते हैं या फिर ड्रिंक करते हैं, तो ये जो चीज है वो आपके हेयर फॉल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके कारण से आपके जो हेयर ग्रोथ है वो बुरी तरीके से प्रभावित होती है, साथ ही बाल जो है जड़ से टूटने लगते हैं। नेक्स्ट चीज जो होती है जो आपके हेयर फॉल को बढ़ा देती है, दूध या दूध से बने प्रोडक्ट जैसे प्रोटीन है या फिर आप टोफू वगैरह जो खाते हैं वो। आप कहोगे कि बालों के लिए प्रोटीन तो जरूरी होता है, लेकिन फ्रेंड्स, बारिश के सीजन में अगर आप प्रोटीन की चीजें यानी दूध का सेवन करते हैं या पनीर का सेवन करते हैं तो ये आपके हेयर फॉल को बढ़ा देता है, क्योंकि प्रोटीन में केसिन प्रोटीन होता है जो कि आपके फॉलिकल्स जो होते हैं, हेयर रोम कहते हैं, उनको ड्राई कर देता है, जिसके कारण से आपके बाल झड़ते हैं और पतले हो जाते हैं। नेक्स्ट जो चीज होती है वो होते हैं प्रोसेस्ड फूड। तो इनमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी डाली जाती हैं जो कि आपके हेयर को नुकसान पहुंचाती हैं और बालों का हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो बारिश के सीजन में इन चीजों को अवॉइड। फ्रेंड्स, अब ये तो बता दिया कि ये नहीं खाना है तो खाना क्या है? फ्रेंड्स, बारिश के सीजन में आप जो मौसमी फल होते हैं उनका खूब सेवन कर सकते हैं, सलाद का कर सकते हैं, फाइबर रिच जो फूड होते हैं उन सबका सेवन कर सकते हैं। आप बालों में कुछ ऑयलिंग भी कर सकते हैं। ऑयलिंग कितनी करनी है, कितनी देर रखना है, कैसे करनी है, ये सब पहले प्रीवियस में वीडियो में बता चुकी हूँ। आपने नहीं देखी है, आपके बालों के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट ऑयल कौन सा रहेगा तो आप देख सकते हैं हेयर केयर की जो प्लेलिस्ट है उसमें ये सभी चीजों के जवाब आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो बालों को थोड़ा सा केयर कीजिए। और हाँ, बारिश के सीजन में सबसे बड़ी गलती होती है कि आपके बाल जो है अगर सूख नहीं रहे हैं तो आप ये हेयर ड्रायर या स्ट्रेटनर वगैरह का यूज करते हैं वो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये बहुत बुरी तरीके से आपके बालों को डैमेज कर देंगे और बारिश के सीजन में हमारे बाल इससे रिपेयर नहीं हो पाते, इसलिए हेयर फॉल भी बढ़ जाएगा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, खूब फाइबर खाएं, फल खाएं, सैलेड खाएं, और ये सभी चीजें जो है आपके बालों के लिए काफी अच्छी हैं। कुछ हेयर मास्क है जो आप लगा सकते हैं और उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके बालों के लिए काफी अच्छे रहेंगे। ये वीडियो की जानकारी कैसी लगी है आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। अच्छी लगी है तो शेयर भी कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।